हेलो स्टूडेंट, सो अगेन आई एम नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस, और इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ड्रग का जो पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब जो रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा वो है केमिकल्स इन फूड। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो स्पेशली इसके अंदर जो है वो स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये इस टाइप के सब्सटेंसेज हैं, फ्लेवर एनहेंसिंग सब्सटेंसेज है, तो इसको हम देखते हैं। तो जल्दी से क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमें करना है केमिकल्स इन फूड। तो केमिकल्स इन फूड के अंदर जो मेनली हमें जो मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए केमिकल्स इन फूड आर एडेड टू द फूड फॉर देयर प्रिजर्वेशन। हमें स्टोर करना है फूड को, तो कुछ प्रिजर्वेटिव उसके अंदर हमें ऐड करने होंगे। टू एनहेंस देयर अपील एंड टू एड न्यूट्रिटिव वैल्यू इन दैम, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है तो कुछ केमिकल्स हमें उसके अंदर ऐड करने होंगे। सो मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज गिवन। सो दीज कैन बी फूड कलर्स, दीज कैन बी फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, दीज कैन बी फैट इमल्सीफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फ्लोर इम्प्रूवर्स जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एंटी स्टॉलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस, एंटी ऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। सो ये जो हमारे पास में कैटेगरी सेवन्थ है, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो एक्सेप्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, नन ऑफ द अबव एडिटिव हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू। सिर्फ न्यूट्रिटिव वैल्यू, किसी फूड कलर्स के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, फ्लेवर्स एनहेंसर या स्वीटनर के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, फेट इमल्सीफायर्स के साथ न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती है, फ्लोर इम्प्रूवर्स के अंदर या ब्लीचेज वगैरह जो हम ऐड करेंगे उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। सो दीज आर एडेड आइदर टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड फूड और फॉर कॉस्मेटिक पर्पज। जैसे जो व्हाइट ब्रेड होता है, ठीक है, वो बेसिकली ब्लीच फ्लोर से बनाया जाता है। अब उसको ब्लीच ब्रेड तो नहीं कहेंगे, तो इसलिए उसके अंदर एक कॉस्मेटिक टच हो जाता है कि वाइट दिख रहा है, और उसको नेम दे दिया मिल्क ब्रेड, मिल्क जैसा वाइट, लेकिन उसको बनाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट हम यूज करते हैं। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट फूड एडिटिव्स है उसके अंदर एक हमारे पास में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। सो नेचुरल स्वीटनर्स दैट इज सुक्रोज इज एडेड व्हेनेवर एडेड टू फूड increase the calorie intake, and therefore many people prefer to use artificial sweeteners, kyunki jo sweetening agent ki tarah kaam karega artificial sweetener, lekin koi calorie intake, calorie addition uske andar nahi hoga. To ye hame dekh lena hai ki kon kon se artificial sweeteners hai. To ye hamare paas mein dekhiye important sucrose ka structural formula hai. Isme ek glucose unit aur ek fructose unit hoti hai. To is sucrose ke structures ke andar हम देखेंगे तो एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड इज आल्सो कॉल्ड एज सैक्रिन, इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड, मतलब कोई क्वेश्चन आ सकता है, सैक्रिन इज आल्सो नोन एज ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड, इमाइड है ये, नेम से ही पता लग रहा है। So this saccharin is about 550 times more sweetener than sucrose. So it is about 550 times as sweet as cane sugar, which is sucrose. तो ये इनका structural formula है। Ortho positions पे एक CO group और SO2 group लगा रहेगा, और amide की form में ये exist करेगा। हमें कोई पूछ सकता है कि ये किसका इमाइड है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, जो सैक्रिन है उसको प्रिपेयर हम कर सकते हैं, ये हमने जो है ऑर्थो सल्फोक्सी बेंजोइक एसिड हमने ले लिया है, और इसको अमोनिया के साथ मिक्स करके हीट कर देंगे, तो इस दोनों का जो है इमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, सैक्रिन बन जाएगा यहाँ पे। तो इट इज इमाइड ऑफ दिस कंपाउंड। एक और हमारे पास में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज होता है एस्पार्टेम। सो एस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन सुगर। इट इज बेसिकली मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। एक डाइपेप्टाइड है, उसका मिथाइल एस्टर है। अब डाइपेप्टाइड किससे बनेगा ये हमें समझना है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अमीनो एसिड्स हमारे सिलेबस में है। सो
aspartame is a methyl ester of a dipeptide, and that dipeptide is formed from aspartic acid and phenylalanine. Aspartic acid and phenylalanine. Aspartame ke saath ek problem hai ki use of aspartame is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature. Ye pucha ja sakta which of the following artificial sweetener is unstable at cooking temperature. Which of the following artificial sweetener is used in cold foods or soft drinks? So that is the aspartame, which is a methyl ester of dipeptide, and this dipeptide is formed by aspartic acid and phenylalanine amino acids. So ye hamare paas mein aspartame ka structural formula hai. Isme aap dekh sakte hain ki ek aspartic acid unit hai aur ek phenylalanine unit hai. To ye jo hamare paas mein phenylalanine hai, theek hai, to phenylalanine ka jo c terminal part hai uska ester banaya hua hai. Aspartic acid ke andar jo c terminal part hai wo n terminal part ki tarah rahega. तो सी टर्मिनल पार्ट जो है अमीनो इस डाइपेप्टाइड का उसका एस्टर बना हुआ है. तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एस्टर ग्रुप बना हुआ है. नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो एलिटैम है, इज हाई पोटेंसी स्वीटनर ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम. तो ये एस्पार्टेम से ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको हम हाई टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं. बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट. हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, एक्सेसिव स्वीटनेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज इट इज nearly 2000 times as sweet as cane sugar. तो इसलिए एलिटैम normally prefer नहीं करते हैं. ये stable होगा high temperature में, ये पूछा जा सकता है क्या है. तो एलिटैम भी एक type का जो है basically कुछ amino acid से मिलकर ही बना हुआ है. तो एलिटैम के अंदर अगर आप देखेंगे तो aspartic acid unit भी होगा और उसके अंदर alanine unit भी होगा, methyl glycine, और साथ में एक four member ring है. फिर sulfur containing compound आ गया. तो बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए, इनकी एक लिस्ट बना ली दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. सुक्रालोज अगेन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है. सो सुक्रालोज इज बेसिकली ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज. सो सुक्रोज का जो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है वो सुक्रालोज है. सुक्रालोज अपियर्स एंड टेस्ट लाइक सुगर. It is stable at cooking temperature. Elitam and sucralose both are stable at cooking temperature. It does not provide calorie. कोई भी artificial sweetener जो है वो calories provide नहीं करता है. सबके लिए ये common point हो सकता है. And sucralose is roughly 600 times as sweet as cane sugar. तो अभी तक का जो हमारा sweetest substance है among artificial sweetener वो elitam हो गया 2000 times. ये sucrose का structural formula है. और इस सुक्रोज का जो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है वो सुक्रालोज है. तो हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पे तीन क्लोरीन अगर लगाएंगे सुक्रोज में तो ये सुक्रालोज प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये वो तीन क्लोरीन है, देखिए कहां पर है. दो क्लोरीन तो ये जो हमारा फ्रक्टोज वाली यूनिट है इसमें लग जाएंगे और एक क्लोरीन जो है वो ग्लूकोज वाली यूनिट में लग जाएगा. तो फ्रक्टोज वाली यूनिट के अंदर तो जो क्लोरीन लग रहा है उससे उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ग्लूकोज वाली यूनिट में जो क्लोरीन लग रहा है देखिए उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज आ गया है. तो ये एक अगेन कंपैरिजन टाइप का है. ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज जो है वो सुक्रालोज है. सुक्रोज को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं ये बता रहे हैं. तो इसमें पहला चेंज तो ये नोटिस करने वाला इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया है. ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव हो गया तो ये कहाँ कहाँ पर क्लोरीन लगे रहेंगे. तो एक तो जो ग्लूकोज यूनिट है उसमें फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन लगा रहेगा और जो फ्रक्टोज यूनिट है उसमें फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा रहेगा और जो हमारा सिक्स्थ कार्बन है उस पे भी क्लोरीन अटैच्ड रहेगा. तो ये इस टाइप से सुक्रालोज हमारा हो गया. स्वीटनेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वेरीज विद देयर स्ट्रक्चर्स. सो ये एक अभी हम टेबल बना देंगे, टेबल दिखा दूंगा मैं आपको. तो उसके अंदर सारे जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंपेरिजन होगा. तो उसमें जो हमारा टेबल शुगर है दैट इज सुक्रोज इज गिवन एन आर्बिट्रेरी स्वीटनेस वैल्यू ऑफ वन and other sweet substances are rated relative to that sugar, sucrose. Now, अब इसमें artificial sweetener में organic compounds भी हो सकते हैं, inorganic compounds भी हो सकते हैं. So, all sugars are sweet as are many other organic and even inorganic molecules are also. तो हम इसका structures नहीं देखेंगे, just एक comparison के लिए आपके पास में ये table है. तो lactose जो है basically milk sugar है, it is less sweeter than sucrose. Galactose जो है one of the simple sugar in
lactose monosaccharide. लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड है वो लैक्टोज है. माल्टोज माल्ट सुगर है, डाइसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज जो है माल्टोज बन जाएगा. ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड है. सुक्रोज हमारा टेबल सुगर हो गया, डाइसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, इसको हमने एक आर्बिट्रेली वैल्यू ऑफ 1 दे दी है. नाउ फ्रक्टोज जो है मोर स्वीटर देन सुक्रोज है. साइक्लामेट एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये 30 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज है. और एस्पार्टेम 100 टू 150 टाइम मोर स्वीटनेस है इसकी देन सुक्रोज. और सैक्रिन नियरली 550 और सुक्रालोज 600 और एलीटेम 2000 टाइम्स मोर स्वीटनर. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. नाउ फूड प्रिजर्वेटिव्स को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं. तो फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ. द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इंक्लूड टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम बेंजोएट. एज अ केमिकल सब्सटेंस फूड प्रिजर्वेटिव के लिए हम यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट. सो ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है. सॉल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, सुगर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जैसे पिकल्स वगैरह में होता है. सोडियम बेंजोएट इज यूज इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज मेटाबोलाइज इन द बॉडी. तो जितनी भी मतलब प्रोसेस्ड फूड मटेरियल्स हम यूज करते हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो उसमें सोडियम बेंजोएट भी है और ये सोडियम बेंजोएट हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है, ये कहना चाह रहा है. सो सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड and propionic acid are also used as preservatives. तो propionic acid तो आप जानते हो, ये हमारे पास में sorbic acid जो है आ गया. तो ये इस टाइप से हमने ये activity complete कर ली है, chemicals in foods. Thank you very much for watching this session.